तो ये मेरे पास में ओप्पो A31 स्मार्टफोन जिसके एंड्रॉयड 10 अपडेट से रिलेटेड सारी क्यूरीज को आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूँ। देखते रहिए। सो हाई डबीज, दिस इज कर्श और ये है ओप्पो A31 स्मार्टफोन जिसके एंड्रॉयड 10 अपडेट से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे रेगुलरली कमेंट बॉक्स में आते रहते हैं कि भाई इसका अपडेट कब आएगा कलर ओएस 7। सो सारी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में एंड सेटिंग्स में चल के मैं आपको दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट्स के ऑप्शन में कि भाई इसमें अभी कौन सा वर्जन है। सो आपको बता दूँ कि इसमें अभी चल रहा है कलर ओएस का 6.1 जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। एंड अगर मैं बात करूं इसके मॉडल नंबर की तो इसमें अभी मॉडल नंबर है A.37 जो कि भी काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। सो अब फिलहाल बात करते हैं कि इसमें जो नया अपडेट है उससे रिलेटेड इश्यूज क्या आ रहे हैं एंड क्या वो आ सकता है। आपको दिखा देता हूं ट्रायल वर्जन में चल के कि इसमें कोई ट्रायल वर्जन अभी नहीं चालू हुआ है। सो यहां पर अभी केवल हमें इतना सा मैसेज लिखा दिखाई देता है कि भाई नो ट्रायल वर्जन अवेलेबल टू योर फोन मॉडल। सो अभी यहां पर कोई ट्रायल वर्जन अवेलेबल नहीं है लेकिन जल्दी इसमें ट्रायल वर्जन्स आने वाले हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा एंड वेट क्यों करना पड़ेगा वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ में इसमें कौन सा फर्मवेयर अभी लेटेस्ट में काम कर रहा है वो भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये डिवाइस अभी लेटेस्टली लॉन्च हुआ है, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है। एंड मैं आपको बता दूं कि F15 भी लेटेस्ट लॉन्च था, जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था उसके पहले वो लॉन्च हुआ था। सो आपने देखा कि F15 में भी थोड़ा सा लेट अपडेट आया है कलर ओएस 7 का एंड अभी अभी जो है वो कलर ओएस 7.1 पर गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस डिवाइस का थोड़ा सा लॉन्च लेट था, F15 के थोड़ा बाद था एंड रोड मैप में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं था। हालांकि मैं बात करूं अगस्त का रोड मैप अभी रिलीज़ नहीं हुआ है एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अगस्त का रोड मैप जो कि लीक होकर आ रहा है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दूं तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ला कर दूंगा कि भाई अगस्त रोड मैप क्या है कलर ओएस 7.1 का एंड वो किस किस डिवाइस में अगस्त में अपडेट आने वाला है। फिलहाल बात करते हैं इसके लेटेस्ट फर्मवेयर की एंड चलते हैं भाई कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो मैंने यहाँ पर नॉर्मली सिंपल ओप्पो A31 एंड्रॉयड 10 अपडेट लिखकर यहाँ पर सर्च कर लिया है एंड जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ओप्पो की कस्ट हेल्प वेबसाइट सामने आ रही है जिस पर मैंने क्लिक कर दिया है एंड मैं आपको दिखाता हूँ इसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन क्या है। तो इसमें अभी चल रहा है A.37 जो कि लेटेस्ट है एंड आपको मैंने दिखाया कि मैंने कर रखा है वो अपडेट एंड जो इसके हिस्ट्री वर्जन है अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो इसमें 4 से ज़्यादा अपडेट नहीं आए हैं, मतलब लेटेस्टली ओनली 4 अपडेट इस डिवाइस में अभी आए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो में अपडेट दिया था आप लोगों को इसी डिवाइस के बारे में वो जाकर आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जो कि प्यूनिकिया वेब की वेबसाइट से मैंने देखकर आपको बताई थी। फिलहाल आपके क्या ओपिनियंस है, आपको इसमें कब तक अपडेट देखने मिल सकता है वो आप मुझे ज़रूर से बताना इन दी कॉमेंट्स। एंड फिलहाल बात करते हैं कि इसमें एंड्रॉयड 10 अपडेट आपको कब तक देखने मिल सकता है। अब 17 जुलाई को एक और पोस्ट हुई और 17 जुलाई अभी की है, मतलब हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि प्यूनिकिया वेब पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको नॉर्मली लेटेस्ट ही देखने मिलती हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। किसी भी वेब पेज के लिए कहानी बनाने से ज़्यादा अच्छा है किसी लीक्स को लेकर पोस्ट दें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कलर ओएस 7 न्यू अपडेट अलर्ट और यहाँ पर A31 का भी नाम है। सो हम नीचे चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने मिलेगा एंड्रॉयड 10 के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ कलर ओएस 7 का बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि भाई कब तक अपडेट आएगा कैसा अपडेट आएगा। सो सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ जून सिक्योरिटी पैच जो आया था आपके डिवाइस में जुलाई 10 को और वो ही पोस्ट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें पूरे गूगल पर कहीं पर भी कोई ऐसा ब्लॉग पोस्ट देखने नहीं मिला कि जिससे हम ये पता लगा सके कि भाई अपडेट का रीसेंट या बिल्कुल एकदम डेट क्या है। बट मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया है मैं एक्सपेक्टेड डेट बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे वेबसाइट्स केवल यही बोल रहे हैं भाई एंड्रॉयड 10 कब आएगा 10 कब आएगा, बट किसी के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि ओप्पो A31 के लिए कब आएगा। यहाँ पर हमारे कुछ वीडियोस के और उल्टा थंबनेल्स देखने मिल जाते हैं जिससे कि हम एक अंदाज लगा ही सकते हैं भाई हमारे ही वीडियोज़ हैं जो कि आपको थोड़े बहुत लीक्स देते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही किसी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सो सब लोग केवल यस यस लिख के भेज रहे हैं कि हाँ भाई आएगा अपडेट आएगा, बट कब आएगा ये चीज़ कहीं पे भी इन्फॉर्म्ड नहीं है, कहीं से भी यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है साफ साफ तरीके से। बाकी लोग बस सर्च करे जा रहे हैं, लोगों को आंसर्स मिल नहीं रहे हैं
और इफ़ योर ओप्पो फ़ोन हैज़ नॉट रिसीव्ड कलर ऑस 7 प्लस एंड्रॉयड 10 अपडेट। यहाँ पर केवल कस्टमर केयर का ही ऊपर हमें देखने मिल रहा है एक पोस्ट, एंड वो भी एक पोस्ट नहीं है, उसके अंदर जब आप जाओगे तो आपको लेटेस्ट फर्मवेयर देखने मिलेगा एंड उसके बाद आपको जो प्रीवियस वर्जन आए थे वो देखने मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ओप्पो का A31 डिवाइस अभी लेटेस्ट है, एज़ पर F15 भी लेटेस्ट था तो F15 को भी फाइनली मिल चुका है, वैसे ही A31 में भी अपडेट आने वाला है। अब दो तीन चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जब भी ओप्पो A31 में अपडेट आएगा तो आपको कहीं पे भी कोई भी ट्रायल वर्ज़न देखने नहीं मिलने वाला है, सिंपली आपको एक ऑफिशियल वर्जन प्लान देखने मिलेगा जिसमें कि आपको अपडेट स्टेबल मिल जाएगा। एंड मेन इंपॉर्टेंटली एक और चीज़ आपको बता दो, ट्रायल वर्जन इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि अब ट्रायल वर्जन रोड मैप एकदम कंप्लीट हो चुका है, अब ट्रायल वर्जन का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं रहता था। एंड आपको बता दूँ कि ये अगस्त में आएगा कि नहीं, सो यार चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, अगस्त में भी आने में भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। हाँ ये कह सकते हैं एंड वीक तक हम ट्राई मार सकते हैं एक बार में 30, 31, 28, 29 तक, लेकिन फिर भी एक कोई कंफर्म चांसेस नहीं है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये अपडेट सितंबर के सेकेंड वीक तक देखने मिल सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि एज़ पर अगस्त का रोड मैप अभी रिलीज़ नहीं हुआ, अब वो रिलीज़ होगा, सो उस रोड मैप में मुझे ये लग रहा है कि आ जाए भाई सितंबर के सेकेंड वीक तक आपको देखने मिल सकता है इसी डिवाइस में एंड्रॉयड 10 का अपडेट। सो अब जो है मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर देता हूँ जो लोग आप मुझसे पूछते हो कमेंट्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन सबका यही रहता है कि गाइस ये अपडेट कब तक देखने मिलेगा। सो मैं आपको सिंपली जैसा कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, यार और कुछ नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट द कंपनी ओनर, सो आप लोगों को मैं प्रिडिक्ट कर देता हूँ कि मोस्टली सितंबर सेकंड तक, मतलब सितंबर के सेकंड वीक तक आपको ये अपडेट देखने मिल जाए। नेक्स्ट अब एक चीज़ और रहती है कि भाई ट्रायल आएगा या फुली कंप्लीट एकदम स्टेबल वर्जन देंगे। सो गाइस स्टेबल ही आएगा, अब जो है ट्रायल वर्जन का कोई मतलब निकलता नहीं है, और अब किसी भी डिवाइस के लिए ट्रायल वर्जन आना एकदम नामुमकिन है, अब किसी डिवाइस के लिए कलर ओएस 7 का तो ट्रायल वर्जन नहीं आने वाला। एक क्वेश्चन और रहता है कि यार इसमें फ़ीचर्स कौन से होंगे और ट्रायल और ऑफिशियल में फ़र्क होता है क्या। सो गाइस ट्रायल और ऑफिशियल में बिल्कुल फ़र्क होता है, मतलब फ़ीचर्स का फ़र्क नहीं होता, फ़ीचर्स सेम होते हैं, स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस का फ़र्क होता है कि भाई ट्रायल वर्जन थोड़ा सा लो एंड पे काम करता है, इतना ज़्यादा अच्छे से काम करता नहीं है, एंड एज़ पर जहाँ पर भी कहीं पर न्यूज़ मिल नहीं रही है सो थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट होते हैं। अब जो भी एक और क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कि यार नेक्स्ट अपडेट वगैरह कैसा रहेगा, सो आपको बता दूँ कि अब आपके जो भी सिक्योरिटी पैच वगैरह आए आपको सिंपली उन अपडेट्स को कर लेना है, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना, उन अपडेट्स को श्योरली कर लेना है, एंड मेक श्योर कि आप जो है बिल्कुल स्टेबल वर्जन पे रहो एंड लेटेस्ट वर्जन पे रहो, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया लेटेस्ट वर्जन है 8.37। सो आप लोग ध्यान रखें कि आपका डिवाइस जो है 8.37 पर ही हो, एंड जो मतलब अपडेट साइज़ है वो आपका आएगा अराउंड 1 GB के अराउंड, 1.2 GB के समथिंग, और उसमें जो है आपको कुछ खास बग्स तो देखने मिलने नहीं वाले, बस यही है थोड़े बहुत ओवरऑल बग्स होते हैं वो देखने मिल सकते हैं, बाकी इतने कुछ खास बग्स आपको देखने उसमें नहीं मिलने वाले। बस यही कहना चाहूँगा कि यार मेक श्योर करो कि आप ओरिजिनल वर्जन पे रहो, लेटेस्ट वर्जन पे रहो, एंड आप लोग जो है ज़्यादा मतलब जिसको कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, एंड ज़्यादा मतलब इधर उधर सर्च करने से कोई मतलब है नहीं, जो भी अपडेट आएगा तो मैं शुरू मतलब सबसे पहले मैं ही बताता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा गूगल पर भी जब आप सर्च करोगे तो मेरे ही वीडियो सबसे ऊपर आते हैं क्योंकि मैं जेन्युइन लीक्स लाने की कोशिश करता हूँ, एंड अभी भी मेरा यही जेन्युइन लीक्स है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो कोई और लीक्स के बारे में पता करना तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लो जो कि मैंने A31 पर बना रखे हैं ऑलरेडी। बाकी आपका कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स इज़ ओपन, वहाँ जाकर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं श्योरली से आपका आंसर दे दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। एक बात तो बताना भूल ही गया कि यार मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो क्योंकि बहुत जल्द हम गिव अवेज अनाउंस करने वाले हैं, सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम का, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लो भाई, आप लोगों को गिव अवेज मिलते रहेंगे वहाँ पर भी। एंड चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।